वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू एंड माय डियर स्टूडेंट्स टू डियर व्यूअर्स एंड डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विद हारन। आपको पता है कि मैं वॉइस पढ़ा रही हूँ और वॉइस अब हमारा लास्ट की ओर है। वॉइस का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका सेशन हमारा लास्ट की ओर है। एक दो वीडियो या जो समथिंग तीन वीडियो में हो जाना है। तो जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। छोटा सा, सभी टेंसेस के सारी होते हैं, है छोटा सा बट आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने का प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय कमेंट्स जो भी आपको आवश्यकता हो उसको भी बताने का भी प्रयास करें, पर देखिएगा ज़रूर। तो हम चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बताते हैं आज हम क्या पढ़ाने वाले। आज आपको बताने वाले हैं हम द पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे सेंटेंसेस, द पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट्स। डबल ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ क्या बहुत ही समथिंग होते हैं, तो जिनमें डबल ऑब्जेक्ट लगे होते हैं उनकी पैसिव अब हम कैसे बनाएंगे, तो वो हम चलते हैं आपको बताते हैं। पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं, ही गेव मी आ रुपी। तो इसको देखेंगे, आपको फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट हुआ, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो इसका कॉन्सेप्ट कहता है ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव दो प्रकार से बनता है, ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव दो प्रकार से बनाया जाता है। तो इनका पैसिव बनाने के लिए दो प्रकार यूज किया जाएगा। तो जो इनका स्ट्रक्चर बन के आएगा, तो स्ट्रक्चर तो आपका सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग है। तो स्ट्रक्चर के लिए हम चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर अब कैसे बनेगा, कैसे हम चेंज करेंगे। तो किसी एक को इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसी एक को हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। किसी एक को हमने यहाँ पे बनाया, सब्जेक्ट बनाया, फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने, फिर जो उसमें वर्ब लिखा होगा, जो उसमें वर्ब आपका होगा, उसको हम थर्ड फॉर्म में करेंगे। और एक ऑब्जेक्ट को अपने स्थान पे रहने देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे हम बाय लगाएंगे, और फिर जो हमारा ये होगा अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको सरल हम अपने रूल से ही बता दें हैं, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ठीक। तब यहाँ पे क्या हो जाना है आपका, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अब क्या निकल के आया आपको देखना है कि पहले हमने जो किसी एक ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ले लिया या सेकेंड, अपने मन से दो तरह से हम बता रहे हैं, तो आपका रूल वही रहेगा। जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका ट्रिक है, ये ट्रिक स्ट्रक्चर जिसका हमने स्ट्रक्चर का नाम, सूत्र का नाम दिया है, वो चीज़ आपका यही रहना है। तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, फिर हमने लिया जैसा टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा टेंस होगा, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब किसका, पैसिव का लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे। एक्चुअली हम पैसिव सीख रहे हैं ना। फिर हमारा एक ऑब्जेक्ट यथावत रहेगा, अपने स्थान पर रहेगा, वाई और सब्जेक्ट। तो अब इसका हम बना के दिखा देते हैं, ही गेम मी, चलिए हम यहाँ से लेते हैं, मी से ले लेते हैं। टेंस किसका है, ये टेंस हमारा है पास्ट इंडिफिनिट का, किसका है, पास्ट इंडिफिनिट का। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के हम क्या ले लेंगे, उसका स्ट्रक्चर ले लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर। तो पास्ट इंडिफिनिट में आप जानते हैं क्या लगता है, वॉज वर, क्या एक्सिलरी वर्ब लग रहा है आपका, वॉज और वर, ठीक।
पास्ट का हुआ, पास्ट में आपका लग रहा वाज और वर, ठीक है ना, ये हुआ। तो अब हम चलते हैं, हमने इसको लिया, अब इसका मी है तो मी का मी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। ये एक्टिव हो गया एक्टिव वॉइस, और आपको बता रहे हैं यहाँ पे पैसिव वॉइस, ठीक है, ये पैसिव वॉइस हुआ। आई ये जो हुआ आपका मी, मी का हमने बनाया सब्जेक्ट हुआ आई। अब पैसिव में प्रेजेंट इंडिफिनिट सॉरी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में एक्सिलरी वर्ब्स क्या लग रहा है, वाज और वर। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम अप्लाई करेंगे एक्सिलरी वर्ब्स का, तो हमारा यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब्स आई के साथ में लगता है वाज, आई वाज। अब मेन वर्ब क्या है, गिवन, गिव गेव गिवन। तो गिवन, अब एक जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको सेम सेम यहां पे लिख देंगे, सेम ऑब्जेक्ट। तो आरूपी, आरूपी अब बाय, बाय किसके द्वारा दिया जा रहा है, ही का क्या हो गया, हिम, ही का हिम, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये हमारा वो फर्स्ट, ये हमारा हुआ रूल, फर्स्ट रूल, ठीक है ना। हमने ये फर्स्ट हुआ, हमने फर्स्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट से हमने इसका पैसिव में परिवर्तन किया। अब चलते हैं दूसरा, दूसरे के लिए क्या करेंगे, आरूपी को ले लेते हैं, आरूपी, आरूपी को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और इसको ऑब्जेक्ट को इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे लिख देते हैं और, अथवा इसका, इसका पैसिव में परिवर्तन दो प्रकार से चल रहा है ना, तो दूसरा प्रकार आया, ठीक। आरूपी, आरूपी वॉज, चूंकि आरूपी है, एक रुपया है तो एक के साथ में तो वॉज ही लगना है, ठीक। तो आरूपी वॉज गिवेन, बाकी यही गिवेन। अब मी अपने स्थान पे आ गया, गिवेन मी, मी को हम अपने स्थान पे ला लिए, गिवेन मी बाय, बाय किसके द्वारा, वाई बाय हिम। तो दोनों में चेंजिंग देख लीजिए, अर्थ इनका, सेंस इनका एक ही आ रहा है, बस इनकी संरचना में, इनको लिखने के तरीके में चेंजिंग है। तो आई वॉज गिवेन आरूपी, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले वाले इसको हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो इसको अपने स्थान पे उतारा, ठीक, इस सेंटेंस में बाय हिम। दूसरे वाले में इसको हमने जब सब्जेक्ट मान लिया तो वॉज गिवेन, यहाँ मी को हमने बनाया, मी को बनाया। तो ये सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होता है, ये कन्फ्यूजन वाला होता है, और बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम कैसे करें, पर ये बहुत सबसे सरल होता है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आपको कोई नो डाउट, आप बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक। एक एग्जाम्पल हम और आपको दे देते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल दे देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाना है, ठीक। तो स्ट्रक्चर बना रहने देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है, सी टॉट, टॉट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इंग्लिश, इंग्लिश, शी टॉट द स्टूडेंट्स इंग्लिश, ठीक। उसने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाया, उसने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाया। तो इसमें भी देख लीजिएगा, एक्चुअली सेंटेंस ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, बट आपको समझना है, ये देखिए पहला ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, एंड दिस इज सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब लाइव होता तो आपसे पूछ लेते कि हाँ आप ही बताइए किससे बना है, बट हम अपने से ही बना रहे हैं। तो चलते हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं, फर्स्ट को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, किसी भी तरह से जैसा भी लेना है। तो हमने यहाँ पे लिया, ये एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक। अब हम पैसिव बना रहे हैं फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, तो द स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स एक्चुअली ये प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए वर द स्टूडेंट्स वर टॉट टॉट इंग्लिश टॉट इंग्लिश बाय शिका हर। ठीक, अब ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट है आपका, इससे ले लेते हैं सेकेंड ऑब्जेक्ट जो हमारा, उस सेकेंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो फर्स्ट हुआ, अब ये सेकेंड हो गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा, इसमें हमने इसको माना। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश वॉज। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, स्टूडेंट्स एक्चुअली यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में था इसलिए वर्ड लगा, यहाँ पे इंग्लिश सिंगुलर फॉर्म इसलिए वॉज टॉट टॉट द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स बाय शिका हर। ठीक, ये ऐसा एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल में दोनों में वॉज लग गया, तो आपको लगेगा कि वॉज वॉज ही लगता, बट ऐसा नहीं है। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम एक्सिलरी वर्ब्स लगाएंगे जिस किसी भी टेंस का हुआ। ठीक है, तो आपको ये डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि इनकी पैसिव कैसे बनाई जाती है। इसी सेंटेंस में थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं। एक्चुअली हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स में बताए थे कि जेरेंड और पार्टिसिपल्स का अभी हम वीडियो बना के अपलोड किए हैं, उसमें डाले थे कि कैसे उसका पैसिव बनाया जाता है। बट आज हम उसके भी दो तरीके बता देते हैं कि इसको दो तरह से बनाया जाए। जैसे इसको हम दो तरह से बनाए हैं, इसको और जरूर लिखिएगा, दोनों तो हो ही नहीं सकता एक साथ, और लगा देंगे। तो जिस तरह से हम डबल ऑब्जेक्ट का दो तरीके से पैसिव बनाते हैं, उसी प्रकार से जीरेंड और पार्टिसिपल्स का भी दो तरीके से हम पैसिव बना सकते हैं। फर्स्ट हमने आपको बता दिया है, आज हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं सेकंड का भी, वो आप यहाँ पे देख लेंगे। हाँ तो बच्चों देखिए, हमने आपको बताया ना जीरेंड इन्फिनिटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल का अभी पैसिव हमने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा बच गया था वो मैं बता रही हूँ इस वीडियो में। देखेंगे कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनका ट्रांसलेशन हिंदी तो हमने बता दिया, तो उनका ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो उनका जेरेंडियल इन्फिनिटिव के रूप में अथवा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में किया जाता है एक्टिव वॉइस। तो दो तरह से उनका ट्रांसलेशन होता है, एक ही सेंटेंस का ट्रांसलेशन जब दो प्रकार से जेरेंडियल इन्फिनिटिव अथवा प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के रूप में होता है तब उनका पैसिव भी दो तरह से बनाया जाता है, दो तरह से उनका पैसिव भी बनाया जाता है। तो जैसे सेंटेंस देखेंगे हिंदी में, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना। आप जानते हैं जिनमें हुए करके ये सब लगा होता है वो जेरेंडियल इन्फिनिटिव अथवा पार्टिसिपल का पार्ट माना जाता है। इसका ट्रांसलेशन फर्स्ट, आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना। अब इसका जब आई हर्ड हिम क्राई, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो वही सेम रूल, डबल ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे क्राई जो है आपका चिल्लाते हुए सुना, यहाँ पे ये क्राई जो है आपका क्या है, किसी नाउन का कार्य कर रहा है, यहाँ पे नाउन का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे जेरेंडियल इन्फिनिटिव हुआ। ठीक, आई वॉज हर्ड टू क्राई, अब देखिए जब ये किसका कार्य कर रहा है, इन्फिनिटिव का कार्य किया, इसलिए इसके पैसिव में इन्फिनिटिव लग गया। तो ही वॉज हर्ड, ही से बनाया, ही वॉज हर्ड क्राई बाय मी। ठीक, ये हुआ फर्स्ट पैसिव। और इसी सेंटेंस का दूसरा ट्रांसलेशन क्या होगा, किसके रूप में, यहाँ पे हुआ आपका क्या, जेरेंडियल इन्फिनिटिव के रूप में। ठीक, यहाँ पे जेरेंडियल इन्फिनिटिव के रूप में, और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, यहाँ पे जो हो रहा है प्रेजेंट, आई हर्ड हिम क्राइंग,
आई हर्ड हिम क्राइंग, किसी भी वो में आई एन जी लगा हो और वो सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वो पार्टिसिपिल कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपिल कहलाता है, ये आप जानते हैं। तो अब इसका हम कैसे बनाएंगे, ही वॉज हर्ड क्राइंग बाय मी, ही वॉज हर्ड क्राइंग बाय मी, यानी कि इसको तो हम अपने स्थान पे रहने दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बताया गया है, सेंटेंस जो बताया गया है, मेन सेंटेंस ये है कि इसका ट्रांसलेशन हम दो प्रकार से करते हैं, जेरंडल इन्फिनिटिव के रूप में और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। जब हमने इसका ट्रांसलेशन दो प्रकार से, दो प्रकार का एक्टिव बनाया, तो इसके पैसिव भी दो प्रकार से बनेंगे, दो प्रकार से पैसिव भी बनेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जहाँ भी जो भी समझ में ना आएगा बाय कमेंट्स हमको जरूर बताइएगा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।